नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। लोकसभा की 5 सीट गंवाने के बाद बीजेपी सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गई है। सूबे के पीडब्ल्यूडी एवं जनस्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बनवारीलाल ने वीरवार को रेवाड़ी जिला सचिवालय में कई घंटों की मैराथन बैठक कर अधिकारियों को चेतावनी दी। कहा कि अब लापरवाही बर्दाश्त नहीं। अधिकारियों को चेताया कि काम के लिए आए लोगों का काम तुरंत होना चाहिए, वहीं मान सम्मान में कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पानी, बिजली व सड़क सहित तमाम जनसरोकार के मसलों का तत्परता से समाधान करें अधिकारी। इसके अलावा टुकड़ों में रजिस्ट्री व प्रॉपर्टी आईडी जैसे मसलों पर सरकार कोई बड़ा समाधान निकालने के लिए काम करे, जल्दी लोगों को बड़ी राहत दी जाएगी। वहीं लोकसभा चुनाव में अधिकारियों की नकारात्मक भूमिका के सवाल पर मंत्री ने कहा कि फीडबैक के आधार पर कार्रवाई जरूर हो गई। उन्होंने कहा कि शहरों में 20 साल से ज्यादा लंबे समय से किराएदारों को जल्द मालिकाना हक दिया जाएगा, इसके लिए अधिकारियों को आदेश दे दिए गए हैं। वहीं दिल्ली को मिलने वाले पानी पर पीडब्ल्यूडी मंत्री ने कहा कि दिल्ली को पूरा पानी दिया जा रहा है, दिल्ली सरकार पानी का बेहतर प्रबंधन करे। मैराथन बैठक में डीसी राहुल हुड्डा, एडीसी अनुपमांजलि के अलावा कोसली बावल के एसडीएम व तमाम विभागों के विभागाध्यक्ष मौजूद रहे। अब आपको दिखाते हैं मीडिया से रूबरू हुए प्रदेश के पीडब्ल्यूडी एवं जनस्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बनवारीलाल ने क्या कहा। देखो, अभी विधानसभा का चुनाव 3 महीने बाद है और अभी 3 महीने आचार संहिता लगी हुई थी तो कामों में काफी डिले हुआ, काफी रुकावट आई। तो 3 महीने में काम को कैसे तेजी लाई जाए इस बात पर सभी विभागों के अधिकारियों से चर्चा हुई और खासकर आज 3-4 महीनों में ज्यादा चर्चा हुई। पंचायती राज, पब्लिक हेल्थ, पीडब्ल्यूडी और बिजली, ये 4 महकमे अहम महकमे हैं जिनसे ज्यादातर लोग इफेक्टेड होते हैं और समाज के अंदर इसका असर भी पड़ता है अगर सही समय पर काम होता है। तो सभी अधिकारियों को ये दिशा निर्देश दिए हैं कि आगे जो भी काम करने हैं उनका तुरंत काम हो और जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं या हमारे कोई भी आम जन है, पार्टी के लोग हैं, उन सब का वो भी आए काम के लिए उनका काम का निपटारा तुरंत किया जाए, उनका मान सम्मान भी किया जाए, ये भी अधिकारियों को हमने दिशा निर्देश दिए हैं और जल्दी से जल्दी कामों का निपटारा किया जाए। क्योंकि जो पीडब्ल्यूडी महकमा है, सड़क की जो काम है वो पानी आगे बरसात आने वाली है, बरसात के अंदर इन कामों में रुकावट आती है। तो हमारे पास ये जो 1-1.5 महीना है इसके अंदर इस कामों की स्पीड बढ़ाई जाए ताकि जल्दी से काम पूरे हों। उसी तरह पब्लिक हेल्थ के जो विभाग है उसको भी हमने डायरेक्शन दी है कि जहाँ भी गंदा पानी आ रहा है, जहाँ भी लीकेज है, उस लीकेज को तुरंत ठीक किया जाए ताकि लोगों को असुविधा ना हो। और बिजली विभाग से ये दोनों चीज इफेक्टेड हैं, अगर बिजली नहीं आती तो पब्लिक हेल्थ के पानी देने में असमर्थ हो जाता है। बिजली विभाग के लोगों को, अधिकारियों को भी ये कहा गया है कि आप बिजली की सप्लाई इंश्योर करें और दोनों अधिकारी, दोनों विभाग आपस में कोऑर्डिनेट करें कि जब पानी का समय हो तो बिजली अवश्य होनी चाहिए ताकि पानी की सप्लाई इफेक्टेड ना हो। तो इस तरह की डायरेक्शन अधिकारियों का। दिल्ली में जल संकट बना हुआ है, हरियाणा पे आरोप लगाए जा रहे हैं दिल्ली सरकार। देखो, हरियाणा उनके हिस्से का पानी दे रहा है और उन्होंने इस बात का जब कोर्ट में भी किया है, वो अपना मैनेजमेंट करें। जो हिस्सा उनका हमारे हरियाणा की तरफ से हम पूरा दे रहे हैं तो हरियाणा के ऊपर लाल से लगाना गलत है। डॉक्टर साहब, लोकसभा चुनाव में कुछ अधिकारियों की भूमिका पर सवाल खड़े किए गए कि उनकी नेगेटिव भूमिका रही। अब जिस तरह से काम हो रहा है, लोग कहीं ना कहीं तेजी देखी जा रही है, यदि ये अधिकारी पहले काम करते तो शायद और बेहतर रिजल्ट आते। उसको किस तरह से देखते हैं, सरकार क्या कर रही है इसके लिए? सरकार के पास जिस तरह के फीडबैक किसी अधिकारी के खिलाफ आ रहे तो उसके हिसाब से उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर, लगातार 10 साल आपकी सरकार रही है, आज इलेक्शन है तो आप कह रहे हैं कि अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए, लेकिन 10 साल में लगातार लोग शिकायत करते रहे कि सीवर का पानी भरा हुआ है, नल का पान पाइप टूटा हुआ है, लेकिन कोई सुनवाई करने वाला क्या अधिकारियों पे सरकार का अंकुश नहीं है? हम समय समय पर मीटिंग लेते रहे, ऐसा नहीं कि आज ही मीटिंग लिए, हम समय समय पर अधिकारियों की मीटिंग, समीक्षा मीटिंग लेते रहे और उनको दिशा निर्देश भी देते रहे और कहीं कमी आती है तो उसको तुरंत ठीक भी करवाया गया, हो सकता कमी आई हो लेकिन उसको तुरंत ठीक भी करवाया गया। तो सब प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, तमाम इस तरह के सुविधा जो अब रखे गए और समाधान भी किए गए, अब क्या देखते हैं कि रजिस्ट्री नहीं हो पा रही थी, क्या उस पर कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं? तमाम इस तरह की बात आ रही है कि प्रॉपर्टी आईडी को हटा दिया जाएगा, रजिस्ट्री हो जाएगी, तमाम किस तरह की सरकार लेने वाली है? देखो, सरकार के सामने सभी ने अपनी बात रखी है कि भाई इनका समाधान होना चाहिए।
जैसे भी हो, चाहे फैमिली आईडी हो, चाहे प्रॉपर्टी आईडी हो, या और कोई समस्या आ जाए बीपीएल की हो, इन सब का समाधान होना चाहिए। और वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी डिप्टी कमिश्नर्स को आदेश दिए हैं कि वो सुबह 2 घंटे बैठे और लोगों की जो समस्या है उसका समाधान करें। एक भ्रष्टाचार को लेकर अंकुश लगाया तहसीलों के अंदर, लेकिन आज भी अप्रूव एरिया के लिए रजिस्ट्री कराने के लिए लोगों को तहसीलों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार की बू आ रही है, लगातार शिकायतें मिल रही है, किस तरह से इससे निपटा जाए, लोगों की रजिस्ट्री हो? देखो, इसके बारे में भी जो दिशा निर्देश है सरकार के, उस हिसाब से रूल के हिसाब से रजिस्ट्रियाँ हो रही है। अगर फिर भी कहीं दिक्कत है तो उसको कंप्लेन करें, सीएम उसमें भी डालने, हमें भी डालते ताकि उस पर कार्रवाई की जाए। कंप्लेन करने वालों की रजिस्ट्रियाँ रोक दी जाती है? नहीं, ऐसा है, रोक नहीं जाती, उसमें देखेंगे, जांच करेंगे, मान लो उसको जायज है या नाजायज है। प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर रजिस्ट्रियाँ रोकी जा रही है लोगों को, उसी के लिए तो सीएम साहब ने कहा इसका समाधान करो ताकि लोगों को सुविधा हो। 3 महीने के अंदर सरकार को चुनाव में जाना है, उसके लिए क्या तैयारी है? देखो, तैयारियां तो अभी चुनाव हुआ है, एक तरह से हमारी रिहर्सल होगी वैसे तो, और हर पार्टी के कार्यकर्ताओं ट्रेन में गए हैं और हम भी गए हैं, तो हमारी तैयारी तो हो गई है, बाकी तो एक आखिरी जो 20 साल पुराने किराएदार हैं, दुकानदार या जो घर लेकर के नगर परिषद के, उनकी रजिस्ट्री की बात कही गई थी, पॉलिसी बनाई गई थी, लेकिन आज भी उनकी दुकानों की रजिस्ट्रियाँ नहीं हो पा रही। आज भी मैंने अधिकारियों से इस बात पर चर्चा की है, तो कुछ उसका जो जमीन में किसकी है, कौन इसका मालिक है, इसका डिसीजन कहीं तहसीलदार लेवल पर होना है और वो होकर के डीसी साहब उसको आगे भेजे। दुकानें नगर परिषद की है, बाल भवन की है, सरकारी दुकानें, उन किराएदारों की बात होगी? मैं उनकी कह रहा हूँ कि भाई उसका जैसे कई किराएदार तो हमारे भवन में जैसे काफी दिनों से बैठे हैं, वो किराया ले रही कमेटी, लेकिन वो दुकान है किसी के, पंचायत की है किसी की, रेवेन्यू की है किसी के, अलग अलग उसका एक टाइटल डिसाइड करके दे देंगे।